अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपको सिखाऊंगा कि पपिन ब्राउज़र में एड बाल पूल की आईडी को कैसे ओपन करते हैं। दरअसल मैं एक कॉइन सेलर हूँ, तो अक्सर मुझसे दोस्त पूछते हैं कि यार आप कॉइन्स कैसे ट्रांसफ़र करते हो, तो मैं कहता हूँ पपिन ब्राउज़र से। तो वो कहते हैं हम कैसे ओपन करेंगे अपन ब्राउज़र में आईडी, तो मैं उसको बता देता हूँ। तो वो बात बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि एक एक बात उसको मैसेंजर पे लिख के सिखानी होती है। तो इसीलिए मैं आज उसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आप दोस्तों को सिखाऊंगा कि अपन ब्राउज़र में एड बाल पूल की आईडी को ओपन कैसे करते हैं। वो मैं आपको बाद में एक एक चीज़ सिखाऊंगा कि उसमें शार्ट कैसे खेलनी है, फिर उसमें कॉइन्स कैसे ट्रांसफ़र करने हैं। आज मैं आपको सिर्फ यही सिखा रहा हूँ कि पपिन ब्राउज़र में एड बाल पूल की आईडी को कैसे ओपन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आप पपिन ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लें, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें सिंपली पपिन लिख के या पपिन ब्राउज़र। इंस्टॉल करने के बाद अक्सर दोस्त जब इसको ओपन करते हैं तो उसका इंटरफेस उसको कुछ इस तरह का मिलता है। इधर आप लिखो एड बाल पूल, तो इसमें आप डायरेक्ट लिखोगे एड बाल पूल तो ये प्ले स्टोर का जो ऑप्शन है ये आएगा। तो अक्सर फिर मुझे दोस्त स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि यार ये तो ये आ रहा है, हम इसको कैसे ओपन करें। तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपने इसमें कैसे ओपन करनी है। सबसे पहले तो आप इसमें ओपन कर लो गूगल। ठीक है जी, गूगल ओपन करने के बाद ये साइड में आप तीन डॉट्स के निशान देख रहे हो ऊपर, इस पे जाके आपने रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट करनी है। ये मेन पॉइंट है इसमें एड बाल पूल की आईडी ओपन करने के लिए। आपने ये करनी है तो ये डेस्कटॉप साइट पे चला जाएगा, मसलन जैसे आप लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह में ओपन करते हो तो उसी तरह ये आएगा। इसके बाद आप इधर लिखो एड बाल पूल। अब देखो पहले प्ले स्टोर का ऑप्शन आ रहा था, अब मिनी क्लिप का आ रहा है। यानी इसमें मैं आपको आज मिनी क्लिप की आईडी ओपन करना सिखाऊंगा। वो फेसबुक की भी आप कर सकते हैं, जीमेल की भी आप कर सकते हैं, मैं आपको आज मिनी क्लिप का सिखाऊंगा। अच्छा जी, ये आ गया, ये आपको नज़र आ रहा है, इधर लिखा हुआ है साइन अप और लॉग इन, इस पर क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद इधर आपने जो है अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करना, जैसे मैं अब कर रहा हूँ। और साइन इन पे क्लिक करना। साइन इन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का एक कैप्चा वेरिफिकेशन आएगा। इसमें इमेजेस है कि ये लिखा हुआ है कि फायर हाइड्रेंट जो है आपने इसमें सेलेक्ट करनी है, तो इसमें आप सेलेक्ट करते जाएं। ये हर बार अलग अलग ही आता है, कभी कार्स का जाता है, कभी पुल का, कभी बाईसाइकिल का। अच्छा, इसमें अब और नहीं है तो मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जो है मेरी आईडी ओपन हो रही है। हम्म,
नेट मेरा थोड़ा स्लो इसलिए टाइम ले रहा है जी। तो दोस्तों आप देख रहे हो मेरी जो है मिनी क्लिप की आईडी मैंने इसमें ओपन की है। ठीक है भाई, तो यही तरीका था कि पपिन ब्राउज़र में आप एक बार पूल की आईडी को कैसे ओपन कर सकते हो। फेसबुक का भी सेम यही तरीका है, फेसबुक वो चलो सेम यही तरीका है, वो मैं फिर आपको अलग एक वीडियो में सिखाऊंगा कि ये वीडियो लंबी हो जाती है इस तरह एक वीडियो में सब कुछ सिखाना। तो इसमें मेन ऑप्शन यही है कि जो पहले आप अपन ब्राउज़र इंस्टॉल करते हो तो वो मोबाइल का जो है ना मोबाइल में आप इस्तेमाल कर सकते हो, यानी डेस्कटॉप साइट वो नहीं होता। आपने सिंपली ये तीन डॉट्स पे क्लिक करके रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट करनी है, तो इसके बाद आप इसमें अपनी एड बाल पूल की आईडी को ओपन कर सकते हो आसानी से। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।